हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11th बिजनेस स्टडी का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने अपने क्लास 11th बिजनेस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन दोनों वीडियो को देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास 11th बिजनेस स्टडी में किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो सिलेबस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और सेकेंड वीडियो मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज बिजनेस, व्यवसाय क्या है और व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी व्हाट इज बिजनेस एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की विशेषताएं भी बताइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, व्हाट इज बिजनेस एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यवसाय क्या है तथा इसकी विशेषताएं भी बताइए। तो इसका जो आंसर है उसे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके लिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख करके रखा है। तो चलिए देखते हैं, बिजनेस रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कहने का मतलब जो है व्यवसाय से अभी पर आए उस आर्थिक क्रिया से है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो बिजनेस है, बिजनेस वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। यानी हमने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तीन प्रकार की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी व्यवसाय, पेशा और रोजगार, जिसमें से हम लोग अभी नंबर वन यानी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है? तो बिजनेस क्या है? बिजनेस से अभी पर आए उस आर्थिक क्रिया से है, यानी बिजनेस रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो व्यवसाय से अभी पर आए उस आर्थिक क्रिया से है। चलिए देखते हैं किस आर्थिक क्रिया से है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी व्यवसाय से अभी पर आए उस आर्थिक क्रिया से है। यहां तक देख लिए थे, उसके बाद जो निरंतर आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, व्यवसाय से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है, यानी बिजनेस रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां किस प्रकार की क्रिया होती है? रेगुलर बेसिस पर, यानी कहने का मतलब पर डे या लगातार कंटिन्यूअस होता है, यानी रेगुलर बेसिस पर वस्तुओं और सेवाओं का यानी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? या तो प्रोडक्शन होता है यानी उत्पादन होता है, या फिर सेल यानी बिक्री होता है। क्यों होता है? लाभ अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? धन कमाने वाली एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसे एक्टिविटी को शामिल करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है। तो व्यवसाय करने का यानी बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है। यानी व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है? बिजनेस रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी व्यवसाय से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जिसमें क्या होता है निरंतर आधार पर, कहने का मतलब जो है रेगुलर बेसिस,
रेगुलर बेसिस पर वस्तुओं एवं सेवाओं का यानी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय यानी प्रोडक्शन एंड सेल द्वारा क्या होता है, लाभ अर्जित करने के लिए एक क्रिया जो है की जाती है। यानी बिजनेस किसे बोलेंगे, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या सेल होता है रेगुलर बेसिस पर। अगर हम अपने घर का कोई सामान जैसे अपना मोबाइल बेच देंगे, अपना कंप्यूटर बेच देंगे, अपना लैपटॉप बेच देंगे, अपना गाड़ी बेच देंगे, अपना घर बेच देंगे, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बार हमने बेचा है रेगुलर बेसिस पर हम उसे नहीं बेच पाते हैं या नहीं बेचते हैं, इसलिए हम उसे बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप रेगुलर किसी चीज को कहीं से खरीद कर लाते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसे बेचते हैं, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस मतलब रेगुलर बेसिस पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए या सेल होना चाहिए, तभी हम उसे बिजनेस यानी व्यवसाय बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की जो विशेषताएं हैं, सात प्रकार की विशेषताएं, यहाँ पर हम जो है सेवन प्रकार की जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को हिंदी टू इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके लिए लिख करके रखा है। तो चलिए देखते हैं विशेषता। विशेषता का मतलब क्या होता है, पहचानने का तरीका, यानी कहने का मतलब जो है किसी भी चीज को हम कैसे पहचानेंगे, तो विशेषता के माध्यम से ही पहचानते हैं, विशेषता यानी गुण को देख करके ही पहचानते हैं। ठीक है, तो बिजनेस जो हो रहा है वो बिजनेस है या नहीं है, कौन कौन सा गुण को, कौन कौन सा विशेषता को हम देखेंगे ताकि उसे हम बिजनेस बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कहने का मतलब है लेन देन होना चाहिए, यानी कहने का मतलब लेन देन होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, वस्तु को खरीदना बेचना, वस्तु का प्रोडक्शन करना, ये सभी क्रिया, ये सभी एक्टिविटीज होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। तो अगर इसके बारे में लिखना हो तो आराम से आप लिख सकते हैं, जहां वस्तु एवं सेवाओं का निरंतर आधार पर विनिमय किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे यानी व्यवसाय बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, लाभ उद्देश्य यानी प्रॉफिट मोटिव। कहने का मतलब जो है बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। बहुत सारी ऐसी बिजनेस भी होती है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे बिजनेस को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, वैसे बिजनेस को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस बोलेंगे, सोसाइटी बोलेंगे और भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस जहां होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, लाभ को अर्जित करना होता है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ अर्जित करना। यानी अगर इसके बारे में लिखना हो तो आराम से आप लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब जो है ऐसी आर्थिक क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और निरंतर आधार पर वस्तु सेवाओं का उत्पादन या विक्रय किया जाता है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, जोखिम का तत्व, एलिमेंट टू रिस्क। कहने का मतलब जो है व्यवसाय में जोखिम होती है, रिस्क होती है, बड़े बड़े बिजनेस में बड़े बड़े रिस्क जो है कवर करना पड़ता है, छोटे छोटे बिजनेस में छोटा रिस्क कवर करना पड़ता है, बड़े बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क कवर करना पड़ता है। जितना बड़ा बिजनेस है रिस्क भी उतना ही बड़ा है, और जितना बड़ा रिस्क है प्रॉफिट जो है उतना ही ज्यादा मिलता है। मेरे दोस्तों, जितना बड़ा रिस्क कवर कीजिएगा प्रॉफिट उतना ज्यादा कमा सकते हैं, छोटा रिस्क कवर करते हैं प्रॉफिट कम कमा सकते हैं, प्रॉफिट वहां कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपका हर प्रकार का बिजनेस में जो है रिस्क जो है होता है, यानी रिस्क को कवर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं, क्या लिखना है, कैसे करते हैं, व्यवसाय में जो है अनेक प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है, कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है
जिसमें जोखिम ना हो, ठीक है, जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक होते हैं लाभ की संभावना भी उस व्यवसाय में अधिक होती है, और जिस व्यवसाय में जोखिम कम होते हैं वहां लाभ की संभावना, लाभ की अवसर भी कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला पॉइंट में। एक आर्थिक क्रिया एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये सिंपल पॉइंट है, व्यवसाय क्या है, आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है, इसलिए हम लोग व्यवसाय यानी बिजनेस को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। यानी इसमें डैश देकर आप लिख सकते हैं चार लाइन, इसके बारे में क्या लिखना है, व्यवसाय से अभी पराय एक आर्थिक क्रिया से है, इस प्रकार की आर्थिक क्रिया से है जहां वस्तु एवं सेवाओं का निरंतर आधार पर या रेगुलर बेसिस पर उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है ताकि लाभ अर्जित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला पॉइंट में। व्यवहारों में निरंतरता, व्यवहारों में निरंतरता जो है यहाँ भी था, ठीक है, निरंतर आधार पर। अगर आप इसका मीनिंग को बढ़िया से समझ लेते हैं तो इसका विशेषता, इसका करेक्टरिस्टिक्स अपने आप जो है सामने निकल करके आता है। ठीक है, तो व्यवहारों में निरंतरता यानी व्यवसाय से अभी पर आए निरंतर व्यवहार होने वाले उस आर्थिक क्रिया से है जहां वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहारों में निरंतरता होना चाहिए, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, यानी व्यवहारों में निरंतरता होना चाहिए। एक बार होने वाली आर्थिक क्रिया को हम व्यवसाय यानी बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला पॉइंट में। उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कहने का मतलब उपयोगिता क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूज करने के लायक कोई वस्तु। जैसे मुझे भूख लगी है तो क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, तो खाना में वह शक्ति है जो हमारी भूख को मिटा सकती है। मुझे प्यास लगी है तो क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, यानी पानी में वह शक्ति है जो हमारी प्यास को मिटा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ ऐसे गुड्स को, ऐसे सर्विसेज को बनाइए या बेचिए जिसमें यूटिलिटी है, जो लोगों के लिए यूजफुल है, यानी कहने का मतलब जो है जिस वस्तु में, जिस गुड्स में या सर्विसेज में क्या यूटिलिटी नहीं होगा, यानी लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगा, उसे लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज को बनाइए जिसमें यूटिलिटी होती है। तो इसमें क्या लिखना है, व्यवसाय से अभिप्राय उपयोगिता का सृजन करना है ताकि आसानी से उस उपयोगी वस्तु को उपभोक्ता अपने उपयोग के लिए खरीद सके और अपनी जरूरत की वस्तु को समझ सके, उसे खरीद सके और उसे अपनी जरूरत की वस्तु की तरह समझे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब है आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप जिस गुड्स एंड सर्विसेज को दे रहे हैं, उससे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर में क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उपभोक्ता संतुष्टि होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा गुड्स या सर्विसेज आप बेच रहे हैं या बना रहे हैं जिससे कंज्यूमर क्या होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बेकार हो जाएगा। गलती से कोई एक बार खरीद लेता है तो दोबारा उसे नहीं खरीदना चाहेगा, उसे यूज नहीं करना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ ऐसा गुड्स या सर्विस बनाइए जिससे क्या होगा, उसमें यूटिलिटी होना चाहिए, उसमें जो है यूटिलिटी होगा तभी कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे, यानी कंज्यूमर की यानी उपभोक्ता की जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए, सेल किया जाए, तो क्या होगा, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे और आपका बिजनेस भी बहुत आगे तक बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बिजनेस क्या होता है और बिजनेस की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पेशा यानी प्रोफेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स अकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें।
ताकि सभी लोग अपनी बिजनेस स्टडी की पढ़ाई, अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।